हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरे धनिया, जिसका प्रयोग रोज सब्जियों में करते हैं, सब्जी में डालने के लिए करते हैं, उसके बहुत सारे अच्छे गुणों के बारे में। फ्रेंड्स, धनिया जो होता है, धनिए के जो बीज होते हैं उसका पाउडर बनाया जाता है और उसे मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारी बीमारियों को वो अपने आप ही ठीक कर देता है। अगर आप रोज़ धनिए का प्रयोग अपने खाने में करते हैं किसी न किसी रूप में, तो ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपके शरीर में संतुलन बनाए रखता है। साथ ही फ्रेंड्स, हरा धनिया होता है, उसका प्रयोग भी सब्जियों में ऊपर से गार्निश करने के लिए किया जाता है। हरे धनिया को चटनी के रूप में भी खाया जाता है, इसे सब्जी में डालकर भी खाया जाता है। साथ ही हरे धनिए की जो गुणवत्ता होती है वो खाने को और भी अच्छा लजीज बना देता है, यानी कि खाना दिखने में भी अच्छा लगता है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। धनिया को अगर अच्छी तरीके से आप धोते हैं और फिर इसके बाद इसकी बारीक पत्तियों को काटकर अगर आप खाते हैं, या फिर किसी भी सब्जी या सलाद में ऊपर से डालकर आप इसे खाते हैं, तो ये उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। यानी कि अगर आप पकती हुई सब्जी में, अगर गर्म सब्जी में डालते हैं तो ये थोड़ा सी पक जाती है, लेकिन आप अगर इसका कच्चा प्रयोग करते हैं, यानी कि खाने को बनाने के बाद जब आप सब्जियां उतार लेते हैं गैस से नीचे, उसके बाद आप इसको ऊपर से डालिए, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। साथ ही यदि आप हरे धनिया को सलाद के रूप में खाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप धनिए की चटनी का प्रयोग कर सकते हैं। धनिए की चटनी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके स्वास्थ्य के लिए, और बहुत सारे जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ाएगा, और आपके जो फूड पॉइजनिंग की समस्या है उसको भी ठीक करेगा। फ्रेंड्स, कच्चा जो हरा धनिया होता है उसको खाने से शरीर में स्फूर्ति आती है, यानी कि आपको आलसीपन महसूस नहीं होता। इसके साथ ही आपकी जो पेशाब संबंधित बीमारियाँ हैं, जैसे कि पेशाब खुलकर ना आना या साफ ना होना, पेशाब में जलन होना, इसमें ये हरा धनिया काफ़ी ज़्यादा कारगर है और बहुत हेल्पफुल होता है इन बीमारियों को ठीक करने में। तो आप इसके लिए भी हरे धनिया की चटनी का प्रयोग कर सकते हैं, या ऊपर से सलाद में हरे धनिया खाते हैं तो आपको इस तरह की समस्या नहीं होगी। फ्रेंड्स, हरा धनिया आपके कब्ज, अम्ल, पित्त, रक्तचाप और मानसिक तनाव को भी ठीक करने में कारगर है, यानी कि इस तरह के रोगों में भी आप हरे धनिया का यदि प्रयोग करते हैं तो आप इनसे बच सकते हैं। हरा धनिया खाने की आदत यदि आप रोज़ डालते हैं तो आपका शरीर निरोग होता है, क्योंकि हरे धनिया को खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।